हाउ टू हेडशॉट इन फ्री फायर, यह एक कमेंट से मेरा चैनल बड़ा पड़ा है और मैं जब इन प्लेयर का गेम प्ले देखता हूँ तो कुछ चीज कॉमन होता है जिसके कारण उनका हेडशॉट नहीं लगता, और अगर यह आप लोग सॉल्व कर लेते हो तो आपका हेडशॉट पहले से ज्यादा लगेगा। तो यह चीज क्या है इस वीडियो में बताऊंगा, और सच बताओ तो फ्री फायर में हेडशॉट मारना इतना भी मुश्किल नहीं है, बट हमारा हेडशॉट क्यों नहीं लगता तो देखो इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है। तो बहुत सारे भाई लोगों को लगता है उनके पास अच्छा सेटिंग नहीं है या अच्छा फोन नहीं है, शायद इसके लिए हमारा हेडशॉट नहीं लगता। तो देखो हेडशॉट मारने के लिए सेटिंग इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर जीरो सेंसिटिविटी पर हेडशॉट मार रहा हूँ तो मेरा कैसे हेडशॉट लग रहा है। और यह बात काफी हद तक सही है कि अच्छा फोन से हेडशॉट ज्यादा लगता है, बट इतना भी ज्यादा नहीं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका परफॉर्मेंस। अगर आपका परफॉर्मेंस सही नहीं है तो जितना भी अच्छा सेटिंग रखो या जितना भी अच्छा फोन से गेम प्ले करो आपका हेडशॉट कभी भी नहीं लगेगा। तो यस, परफॉर्मेंस पर फोकस करो ना कि सेटिंग पर। तो अभी बात है कि परफॉर्मेंस को कैसे हाई लेवल पर लेकर जाएं, तो देखो इसके लिए आपको सबसे पहले एक सेटिंग सिलेक्ट कर लेना है, चाहे ये सेंसिटिविटी हो या कस्टम HUD या अदर सेटिंग हो। और अगर आपको सेटिंग सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग चैनल पर चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको बेस्ट सेटिंग मिल जाएगा। और उसके बाद आपको ट्रेनिंग डाउन में आ जाना है और हेडशॉट मारने का प्रैक्टिस करना है और 2 से 3 आवर्स प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद आप लोग देखना आपका परफॉर्मेंस अलग ही लेवल का हो जाएगा। तो ओके, परफॉर्मेंस लेवल तो बढ़ा लिया, अभी हेडशॉट कैसे मारे। तो आप लोग हेडशॉट मारने के टाइम कहाँ पर फोकस करते हो? ऑब्वियसली एम के ऊपर। तो देखो आपको कभी भी एम के ऊपर फोकस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है मैं आपको बताता हूँ। तो देखो एनिमी अगर सीधा खड़ा है तो हम एम को एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब थोड़ा टाइम मिलता है एम को एडजस्ट करने के लिए, बट एनिमी तो हमेशा खड़ा नहीं रहेगा, मूवमेंट करेगा, और इस टाइम एम के ऊपर फोकस करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो आप लोग यह वाला क्लिप देखो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने एक एनिमी को हेडशॉट मारा और तुरंत और एक एनिमी चलाया और मुझे एम को एडजस्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, बट फिर भी मैंने हेडशॉट कैसे मारा। तो पहला तो मैंने एम के ऊपर फोकस नहीं किया, मैंने फोकस किया एनिमी का हेड के ऊपर, और दूसरा मैंने एम के हिसाब से फायर नहीं किया, एनिमी का हेड के हिसाब से फायर किया, मतलब पूरा सीक्रेट छुपा हुआ है इस फायर बटन में। तो देखो सबसे पहले तो आपको एनिमी का हेड के ऊपर फोकस करना है और उसके बाद एनिमी का हेड जिस साइड रहेगा उस साइड आपको ड्रैग करना है, और लिटरली ऐसा करके देखना आपका हेडशॉट तो पहले से ज्यादा लगेगा ही, साथ में आपका एम के ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाएगा। आपको एम के ऊपर फोकस करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि एम आपका फुल कंट्रोल में रहेगा। तो एक बार करके देखना। तो अभी बात करते हैं सेटिंग के बारे में। तो देखो सबका फोन अलग अलग है और अलग अलग फोन पर अलग अलग सेटिंग वर्क करता है, तो इसलिए आप लोग यह वाला वीडियो देखो, आपके फोन के अकॉर्डिंग आपको सेटिंग मिल जाएगा। तो जाओ क्लिक करो वीडियो देखो, मिलते हैं इस वीडियो पर।